हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। रूरल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से आजार मवेशियों के लिए फीड असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर अतर अब्बास राजा के हवाले किया गया। रीड्स मुख्तलिफ सेक्टर में फलाई कामों में मसरूफ है। इससे कबल ग्वादर में जिले इंतजामिया के साथ मिलकर स्पेशल पर्सन अकलियतों और ख्वाजा सराओं को रमजान राशन पैकेज दिए थे। नेशनल पार्टी के जिले सेक्रेटेरिएट में नेशनल पार्टी के जिले काबीना और सीनियर अरकान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि नेशनल पार्टी जिला ग्वादर के तमाम बल्दियाती नशस्तों पर अपना उम्मीदवार मैदान में लाएगी। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी गई। कमेटी में चारों तहसीलों और जिला कौंसल के उम्मीदवारान के साथ मिलकर बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। हेल्पिंग एंड फाउंडेशन की जानिब से अफ्तार दस्तरखान का इनेकाद जारी। माह रमजान के चौथे रोज में भी रोजादारान को अफ्तार करवाया गया। हेल्पिंग एंड ने रमजानुल मुबारक के 30 दिनों तक रोजा अफ्तार कराने का ऐलान कर रखा है। BNP अवामी के मरकजी इंसानी हकूक सेक्रेटरी एडवोकेट सईद फैज ने ग्वादर पोस्ट से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अख्दो तहरीक के सरबरा और जमात इस्लामी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच ने गुज़श्ता रोज़ BNP अवामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मीर असदुल्ला बलूच के खिलाफ गैर सियासी और नाशायस्ता जुबान इस्तेमाल करके बलूच और मजहबी रवायात को पामाल किया है। उन्होंने कहा, सियासत करना सबका हक है, लेकिन दूसरे पर कीचड़ उछालना और प्रोपेगेंडा करना कहाँ की सियासत है। एडवोकेट फैज ने मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच की जानिब से बाजारी जुबान इस्तेमाल करने और बेबुनियाद इल्जामात लगाने की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडों से अब अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मौलाना के पास मुखालिफीन की किरदार कशी के अलावा मशहूर होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। मौलाना सस्ती शोहरत के लिए सियासी रहनुमाओं की किरदार कशी में मसरूफ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी तहसील ग्वादर का इजलास ज़ेर सदारत नूर गन्ना मुनक्किद हुआ। इजलास में तंजीमी उमूर समेत बल्दियाती इलेक्शन पर बातचीत की गई। इजलास में इलेक्शन की तैयारियों और उम्मीदवारान की फहरिस्त समेत दिगर उमूर के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई। रमजानुल मुबारक नाइट नाकआउट यंग और यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट ग्वादर 2022 बनाम मरूम अतीकुर्रहमान नवाब और मोहम्मद असलम काबूस में दो फार्मेट में मैच खेले गए। यूथ के मुकाबले में शहीद कलील फुटबॉल टीम और सादिक ब्रदर्स फुटबॉल टीम मध्य मुकाबले रहे। मैच के दौरान दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर रहे। मैच का फैसला पेनल्टी किक के जरिए हुआ, जो कि सादिक फुटबॉल टीम ने मैच अपने नाम कर दिया। जबकि टूर्नामेंट के यंग मुकाबले में मुजाहिद फुटबॉल क्लब बमुकाबला यंग जान फुटबॉल क्लब के दरमियान मैच खेला गया। यंग मुजाहिद ने मैच 1-0 से अपने नाम कर दिया। और 31वां आल ग्वादर रमजानुल मुबारक नाकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में GPA क्रिकेट क्लब ग्वादर ने अल वतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन को 77 रन से शिकस्त दे दी।